Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. So I'm back with a new video, and in this video what we are going to discuss, the Wegener's theory of continental drift. Okay, so ये एक बहुत ही popular theory है Alfred Wegener की. इस theory का नाम क्या है? Continental drift theory. तो इस video में है ना हम introduction देखेंगे continental drift theory का, जो किसने दिया था, हमारे जर्मन जियोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर. ओके, तो चलिए हम आगे अपने इस थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे नजर डालनी होगी. और अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझना है तो आप मेरे रीसेंट वीडियोस जा करके देख सकते हैं. मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बना रखी हैं. तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये एक रिवोल्यूशनरी साइंटिफिक थ्योरी. ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज अ रिवोल्यूशनरी साइंटिफिक थ्योरी जो कि 1908 से 1912 के टाइम पीरियड में डेवलप हुआ. किसने डेवलप किया? अल्फ्रेड वेगनर ने. ओके, जो कि एक जर्मन मेटरोलॉजिस्ट भी थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे एंड जियोफिजिस्ट भी थे. ठीक है, इतना सारा इनके पास डिग्रीज था, इन सारी चीजों में ये माहिर थे. दैट पुट फॉर द हाइपोथेसिस दैट द कॉन्टिनेंट्स हैड ऑल ओरिजिनली बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस लैंडमास और अ सुपर कॉन्टिनेंट. तो देखिए, अल्फ्रेड वेगनर ने हाइपोथेसिस दी, ठीक है, कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और ओरिजिनली बीन अ पार्ट ऑफ वन एनॉर्मस लैंडमास. ठीक है, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं अभी, हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे क्या है, ये एक बड़े लैंडमास का या फिर एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे पहले. ओके, कब? अबाउट 240 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, उसके बाद क्या है, बिफोर ब्रेकिंग अपार्ट एंड ड्रिफ्टिंग टू देयर करेंट लोकेशन. तो इस तरीके से समझिए कि 240 मिलियन साल पहले जितने भी लैंड मासेस आप देखते हैं अभी, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक जगह पे एलोकेटेड थे, एक साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म किए हुए थे. और फिर 240 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, वो जो बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, वो ब्रेक करना शुरू किया. वो ठीक है, सेपरेट हुआ एक दूसरे से, जो लैंड मासेस थे वो एक दूसरे से सेपरेट हुए, अलग हुए. और फिर अभी जो उनका करंट लोकेशन है, ठीक है, वहां पे पहुंच गए. तो ये जो प्रोसेस है, ये काफी स्लो प्रोसेस है, देखने में भले ही सोचने में बहुत छोटा लगे कि अरे पहले एक जगह थे और फिर खसक के ऐसे चले गए, अभी जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जैसे कॉन्टिनेंट्स का लोकेशन है वैसे फिट हो गए वो. लेकिन ये नहीं है, ये बिल्कुल भी एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का प्रोसेस नहीं है, काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है. तो अगर आप देखिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, तो इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम पनोशिया था, वो ब्रेक हुआ और पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ इसमें, इस पीरियड में, पैलियोजोइक एरा में. ओके, और फिर मेसोजोइक एरा में, क्रिटेशियस पीरियड के टाइम के आसपास में, जो हमारा पैंजिया है वो ब्रेक होना शुरू हुआ. और फिर धीरे धीरे जाकर के जो हमारा प्रेजेंट टाइम का जो सुपर कॉन्टिनेंट, सॉरी, प्रेजेंट टाइम का जो कॉन्टिनेंट्स का एलोकेशन है, जो लोकेटेड है जहां पे, वहां पे वो जाके फिट हो गए. तो ये काफी लंबा प्रोसेस आप देखिए, 541 मिलियन ईयर्स अगो से 252 मिलियन ईयर्स अगो एंड फिर 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो. तो ये काफी लंबा प्रोसेस आप इसको देख सकते हैं. ओके, सो बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर ने क्या हाइपोथेसिस दी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, वो सारे एक जगह पे एलोकेटेड थे पहले, और उसके बाद एक बड़े लैंडमास में, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ऑलमोस्ट 240 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद फिर वो ब्रेक हुए और फिर अपने करंट लोकेशन पे आ गए. आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं अगले स्लाइड पे जल्दी से. तो चलिए देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये वाला इमेज, ये है पैंजिया. ये क्या है? ये है पैंजिया.
तो आप देख सकते हैं एलोकेशन सबका नाम अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, इंडिया, ठीक है। तो ये पहले एक जगह एलोकेटेड थे, फिर बाद में ये ब्रेक हुए, और फिर ये प्रेजेंट टाइम में जो अभी हमारा एलोकेशन है कॉन्टिनेंट्स का, ये ऐसे जाकर फिट हो गए। बट ये शुरू से ऐसा था नहीं, पहले कैसा था, पहले ऐसा था। तो देखिए इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ से निकलेगा और जाके जुड़ जाएगा यहाँ एशिया के साथ। तो अगर आप ऐसे समझें तो ये जो हमारा इंडिया है ये पहले यहाँ पे नहीं था, ये पहले यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, और फिर यहां से ये मूव करके, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। खैर वो दूसरी बात है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें ये समझना है कि एलोकेशन पहले एक जगह, पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जगह पे एलोकेटेड थे, और उसके बाद फिर ब्रेक हुआ उनमें, और फिर वो इसमें जाके चेंज हो गया, जो अभी मॉडर्न, अभी जो रिसेंट टाइम में जो हमारा कॉन्टिनेंट है उस हिसाब से। चलिए, तो यूरेशिया इधर क्या, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट, साउथ अमेरिका वेस्ट में, ठीक है, अफ्रीका यहीं पे स्टेशनरी रहा, इंडिया ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में चला गया, अंटार्कटिका नीचे, ठीक है। आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसको समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो वेगनर ने क्या कहा, हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने, ये जो चचा थे हमारे, इन्होंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 200 मिलियन 100 साल पहले, मिलियन साल पहले, सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है। अगर आप 200 मिलियन साल पहले की बात कीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि पैलियोज़ोइक एरा के एंड में हमारा जो है पैंजिया बन गया था। पहले पनोशिया था, ये ब्रेक हुआ और फिर पैंजिया का फॉर्मेशन हो गया। तो और ये टाइम स्केल आप देखिए यहाँ पे 252 मिलियन साल, तो ऑलमोस्ट 200 साल, 200 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, जिसका मतलब होता है ऑल लैंड, मतलब सारा जमीन, है ना, सारा जमीन मतलब एक साथ सारा जमीन, तो पैंजिया था, ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है। तो 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, पैंजिया ब्रेक होना शुरू हुआ, एंड ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर्स लगा द पीसेस सेपरेटेड, और फिर जो लैंडमास के अलग अलग पीसेस थे वो सेपरेट हुए फर्स्ट इंटू टू स्मॉलर सुपर कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है कि जो पैंजिया है उसी से सब अलग 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 हो गए, नहीं, पैंजिया पहले दो भागों में बटा, पहले कौन से दो भागों में बटा, डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर सुपर कॉन्टिनेंट्स। पहला सुपर कॉन्टिनेंट था यूरेशिया, ठीक है, एंड द सेकेंड वन वाज गोंडवाना लैंड। ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस इज पैंजिया, दिस ब्रेक अप इनटू, दिस इज यूरेशिया एंड दिस इज गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये पैंजिया का ये दो सुपर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, कब, ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड का हमारा, तो ये मेसोज़ोइक एरा का जुरासिक पीरियड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 250 मिलियन साल से 67 मिलियन साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें, जुरासिक पीरियड में पैंजिया ब्रेक होके बना यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ओके, एंड देन बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, और क्रिटेशियस पीरियड की एंड होते होते, यानी कि 66 मिलियन साल पहले, इनटू द कॉन्टिनेंट्स वी नो टुडे। तो कैसे हुआ, पनोशिया ब्रेक हो गया, पैंजिया बना, ऑलमोस्ट 200 साल पहले पैंजिया ब्रेक होना शुरू हुआ, ब्रेक होके दो पार्ट्स में डिवाइड, ऑलमोस्ट जुरासिक पीरियड के टाइम में ब्रेक होना शुरू हुआ, किसमें ब्रेक हुआ, यूरेशिया में एंड गोंडवाना लैंड में। ओके, कब, जुरासिक पीरियड के टाइम में, और क्रिटेशियस पीरियड के एंड होते होते तक, ये जो हमारा क्रिटेशियस पीरियड है मेसोज़ोइक एरा में, ये हमारा एरा है, ये हमारा पीरियड। ओके, सो मेसोज़ोइक एरा में जो हमारा क्रिटेशियस पीरियड है, इस पीरियड के एंड होते होते, ठीक है, जो ड्रिफ्टिंग हो रहा था कॉन्टिनेंट्स का, जो सेपरेट हो रहे थे, वो कहां तक पहुंच गया, प्रेजेंट वर्ल्ड में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्टिनेंट्स अभी जिस जगह पे है उस जगह पे। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं भैया, चलिए इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। तो पैंजिया था हमारा, ये पैंजिया है, ये पैंजिया ब्रेक हुआ किसमें, दो भागों में,
ठीक है, पैंजिया दो भाग में बटा, यूरेशिया में एंड गोंडवाना लैंड में। ओके, किस टाइम पीरियड की बात है? तो ये बात है आपको जुरासिक पीरियड। ओके, इतना मतलब समझ में गया कि जो हमारा पैंजिया है वो जुरासिक पीरियड के टाइम में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में। और उसके बाद जुरासिक पीरियड के बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड के टाइम तक क्या हुआ कि जो हमारा पैंजिया था वो जो दो भाग में बटा था वो अब इस पे आके फिट हो गया। मतलब अब उनका सेपरेशन क्या हुआ कि जो मॉडर्न टाइम अभी के रीसेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्टिनेंट्स का लोकेशन है वहां पे वो जाके फिक्स हो गया। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। और भी कुछ है क्या? ओके, अब हम थोड़ा सा इस थ्योरी के एम या फिर बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे वो क्या कर रहे थे, वो क्लाइमेट चेंज पे स्टडी कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि क्या रीजन है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, पहले वो इस पे स्टडी नहीं कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, पहले उनका जो मोटिव था वो क्या था, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी कर रहे थे। लेकिन इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उन्होंने कैसे इजाद किया, थोड़ा सा समझते हैं इसको। सो अल्फ्रेड वेगनर के सामने बहुत सारे एविडेंसेस थे, ठीक है, रिगार्डिंग वाइड स्प्रेड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये 1908-10 की बात है उस टाइम की। तो क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा एविडेंस था, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के पास थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, उस वक्त भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था। ठीक है, अभी के कंपैरेटिवली तो काफी स्लो हो रहा था, अभी तो काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा। खैर वो दूसरी बात है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि अल्फ्रेड वेगनर के सामने काफी ज्यादा एविडेंसेस थे रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। सो उसने क्या सोचा कि क्लाइमेट चेंज जो है ऑन द ग्लोब, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज जो ग्लोब पे हो रहा है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला, अगर हम कॉन्टिनेंट्स को स्टेशनरी मान लें उनके जगह पे, ठीक है, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का एलोकेशन है उसको अगर हम स्टेशनरी मान लें, मतलब कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, लेकिन क्लाइमेटिक जोन अगर शिफ्ट हो रहा है एक प्लेस से अदर, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को समझने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि अगर कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे हैं, ठीक है, या तो कॉन्टिनेंट एक जगह पे होंगे क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट करेगा, या फिर क्लाइमेटिक जोन स्टेशनरी रहेंगे और लैंड मास शिफ्ट किया होगा, इस वजह से क्या हुआ होगा, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, है ना। तो हम लोग अपनी रीजनिंग लगा के भी सोच सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेटिक जो हमारा जोन है वो कैसे चेंज हो सकता है, वो कैसे मूव कर सकता है। बेसिकली अगर प्रीडोमिनेंटली हम बात करें तो हमारा जो क्लाइमेट है वो डोमिनेट करता है फ्रॉम द सन, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ये सन है हमारा, ये हमारा अर्थ है, तो इस सन सन और अर्थ के पोजीशन पे, ठीक है, उनका पोजीशन क्या है, और उसके बाद सन की जो रेज आती है जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, है ना, जो हमारा डिवीजन बांटा हुआ है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फिर रिजिड जोन। तो ये तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है ना, टॉरिड जोन का क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक अलग है, टेम्परेट जोन का अलग है, फिर रिजिड जोन का अलग है। तो क्या आपको लगता है कि क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट किया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट नहीं किया होगा तो फिर क्या शिफ्ट किया होगा, लैंड मासेस शिफ्ट किए होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक लैंड मास है, तो यहाँ पे लैंड मास है और सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, तो ये टॉरिड जोन के एरिया में है, तो यहाँ पे जो लैंड मास होंगे वो टॉरिड जोन में टॉरिड जोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो इस पे पड़ेगी। बट अगर ये लैंड मास शिफ्ट होकर के चला जाता है पोलर रीजन में, फ्रिजिड जोन में, तो फिर यहाँ पे फ्रिजिड जोन में क्या आएगी, यहाँ पे अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा क्लाइमेट का, तो उस हिसाब से अफेक्ट करेगा लैंड को। तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट नहीं हुए होंगे, शिफ्ट क्या हुआ होगा, वो हुआ होगा हमारा लैंड मास। तो ये था हमारा एम या बेसिस ऑफ द थ्योरी कि पहले अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे वर्क नहीं कर रहे थे, वो क्लाइमेट चेंज पे वर्क कर रहे थे, जिससे फिर उनको समझ में आया कि लैंड मासेस जो है वो मूव किए होंगे।
तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है वेगनर्स थ्योरी का, आगे फिर हम और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस अल्फ्रेड वेगनर को मिले क्लाइमेटिक चेंज के। और उसके बाद इन्होंने जो लैंड मासेस मूवमेंट को कहा कि लैंड मासेस मूव किए होंगे, उसका क्या एविडेंस है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि लैंड मास मूव किए, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस लैंड, उस इतने भारी मासी लैंड मास को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।